नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम आज आपको बताएंगे कि फोटोशॉप में हम हमारी पासपोर्ट साइज फोटो किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए हमने फोटोशॉप ओपन किया हमारा और हमें वो फोटो सिलेक्ट करनी है जिसकी हमें पासपोर्ट साइज फोटो तैयार करनी है। तो हमने बनानी है, हमने डबल क्लिक किया, हमारी फोटो को हम सिलेक्ट करेंगे। और ये देखिए ये हमने फोटो हमारी सिलेक्ट कर ली, इसके हमें पासपोर्ट साइज फोटो तैयार करनी है। तो देखिए एक तो ये क्रॉप टूल है, आप इसकी सहायता से इसको क्रॉप कर सकते हो। सिलेक्ट करके इसकी विड्थ आपको रखनी है 273। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब करिए और बेल अलर्ट को एक्टिवेट करिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले इंटीमेशन आपको मिल सके। इसकी विड्थ रखनी है आपको 273 और हाइट रखनी है इसकी 355 और इसका रेजोल्यूशन रखना है 200। और दूसरा हमारा ये है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, इसको हमें क्लिक करना है और इसको हमें बटन को प्रेस करके और इसकी छोड़ देना है। और हमें ये देखो जितना हमें ये चाहिए हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और हमारी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक न्यू पेज ओपन करना है। न्यू में चले गए और यहाँ से हमें पेज की साइज सेलेक्ट करनी है A4 और ओके। ये देखिए हमने A4 साइज सेलेक्ट कर ली। अब हमें कंट्रोल आर दोस्तों इसके ऊपर प्रेस करना है तो हमारा ये इसके ऊपर स्केल बन जाएगा। और हमें ये यहाँ से ड्रैग करना है माउस को दबाकर और ये एक लाइन देखिए लाइन हमारी यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार से हमें यहाँ से एक लाइन खींचनी है माउस को बटन दबा के, राइट साइड का बटन दबा के हमें ये करना है। और अभी हमें क्या करना है, हमारी ये फोटो को एरो लेंगे हमारा ये और इस फोटो के ऊपर क्लिक करके और हमारा बटन दबाकर इसके ऊपर ड्रैग कर देंगे। ये देखिए हमारी ये फोटो आ गई है। अब इस फोटो को अगर आपको छोटा करना है तो छोटा साइज छोटा कर सकते हो, बड़ा करना चाहो बड़ा कर सकते हो। इसके लिए हमें इसके Ctrl+T करना होगा। Ctrl+T करेंगे तो ये देखिए हमारे ये इसको छोटे या बड़ी करने का ऑप्शन आ जाएगा और हम इसको कहीं पर भी हमारा मूव कर सकते हैं। Ctrl+T करने के बाद हम इसको जितना चाहें हमारा छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए हमें ये इतनी साइज में चाहिए तो हमने इसको क्लिक कर दिया। अब हम इसको डबल क्लिक कर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए बड़ा हो गया हमारा और ये हम लेंस की सहायता से इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये देखिए अब हम माउस से इसको पकड़ेंगे एरो की से और इसको इसके ऊपर ले जाएंगे तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। देखिए इस फोटो के ऊपर ये देखिए इस लाइन के ऊपर कैसे अपने आप ही चुंबक की तरह चिपक जाती है। ये देखिए दोस्तों तो हमें ये इसके ऊपर रखनी है। अब देखिए एक सिंगल फोटो तो हमने बना ली, अब इसकी हमें पूरे पेजेस में फोटो बनानी है तो हमें क्या करना होगा, ऑल्ट बटन दबाना होगा इसकी कॉपी बनाने के लिए। तो जैसे हम ऑल्ट बटन को प्रेस करते हैं देखिए हमारे तीर जो एरो है वो डुप्लीकेट कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए दो तीर बन जाते हैं हमारे। तो हमें ऑल्ट बटन दबा के रखना है और इसके ऊपर माउस की सहायता से बटन को राइट बटन को प्रेस करके और ड्रैग कर देनी है ये फोटो। ये देखिए हमारी दूसरी फोटो तैयार हो गई है, इसको हमने ऊपर लगा दिया। इसी प्रकार से हमने इसको पकड़कर ये तीसरी फोटो तैयार हो गई है और इसी प्रकार से हमने इसको पकड़कर ये चौथी फोटो तैयार हो गई हमारी। ये देखिए दोस्तों ये हमने ये बना दी। अब हमें इसको जॉइंट करने के लिए हमारा Ctrl+E बटन प्रेस करना होगा। ये देखिए हमें इस लास्ट वाली पे आना होगा Layer 1 Copy 3। तो ये तो Layer 1 हमारी और इसकी हमने 3 कॉपी करी है तो हम लास्ट वाले को इसको सिलेक्ट करेंगे और हमें कीबोर्ड का Ctrl+E बटन इनको जॉइंट करने के काम आएगा। तो हम Ctrl+E बटन क्लिक करेंगे तो हमारी ये सारी लेयर जॉइंट हो जाएगी। और अब हमें क्या करना है, वापस से वही ट्रिक अपनानी है, ऑल्ट बटन दबाना है और इसको पकड़कर नीचे की ओर ड्रैग कर देना है। ये देखिए हमने ये बना दी, फिर हमने इसको पकड़ा और नीचे की ओर ड्रैग कर दिया, ये हमने नया बना दिया। फिर हमने पकड़ा नीचे की ओर ड्रैग कर दिया। तो ये देखिए दोस्तों हमने कुछ ही समय में
कितने सारी पासपोर्ट साइज फोटो तैयार कर लिए। ये देखिए हम इसको छोटा करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों हमने कितने कम समय में हमारी पासपोर्ट साइज फोटो तैयार करी है। अब आप इसको चाहें तो इसका लैब में जाकर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आप उसको यूज में ले सकते हैं। तो देखा दोस्तों हमने किस प्रकार से हमारे फोटोशॉप से पासपोर्ट फोटो तैयार करी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भविष्य में आपको और भी बेहतर जानकारी दे सकें।